हालांकि अभी जा रही है, लेकिन अभी उनके यहां जा रही है जिनसे बने बिगड़े सरकार। अगर देश में संविधान है तभी तो हम जैसे लोग बिना डरे आंख में आंख मिलाकर कहते हैं कि जब तक बिरसा फुले अंबेडकर पेरियार का एक भी वारिस बचेगा, संविधान के बदलने वालों के खिलाफ खड़ा होगा। इस बात को आप याद रखना और इस बात को हम यहां ऐलान करना, क्योंकि हमारा वजूद ही साफ संविधान से, और केवल मैं संविधान पर बोलने आया हूं। मैं चाहूं तो हजार बातें ऐसी बोल सकता हूं जो हमारे समाज में नफरत के लिए बांटी जा रही है, लेकिन मैं केवल संविधान पर बोलने के लिए एक बात कहने आया हूं। अगर जिस सीढ़ी से चल करके हम आए वो सीढ़ी हमारी आंखों के सामने तोड़ी जाए तो दर्द होगा कि नहीं होगा? होटल में रहते हैं, मुझे बहुत अच्छे होटल में रुकाया गया, साफ सुथरा है, बढ़िया है, लेकिन कल जब जाऊंगा वहां से तो एक बार भी पलट कर देखूंगा नहीं, नाम भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है वहां किराया पे है। लेकिन मैं अपने घर से जब पढ़ने इलाहाबाद गया, अपने घर से जब पढ़ाने दिल्ली गया, तो बार बार मेरा घर जो कि कमजोर था, टूटा फूटा था, पेंट सही नहीं था, फिर भी मुझे हर दिन मेरा घर याद आता था, क्योंकि उसने मुझे बनाया था और मुझे लौट कर मेरे अपने घर में जाना है। जिस चीज को हम अपना मानते हैं उससे एक अलग प्रेम होता है। बताओ इस देश में भारत का संविधान कितने नागरिक अपना मानते हैं? हम तो मानते हैं ना साहब, बताओ हाथ उठाकर कि हम इस देश के संविधान को अपना मानते हैं कि नहीं? और अगर कोई चीज आपकी है तो उस पर कोई छेड़खानी होगी तो आप चुप रहेंगे? अब असली मुद्दे पर आए कि नहीं, क्या इस देश में खुलेआम अब ये नहीं कहा जा रहा है अब की बार इतना पार, समझ जाना इशारा, अब की बार इतना पार, क्यों? 2 करोड़ रोजगार देने के लिए नहीं, हर अकाउंट में 15 लाख, भूखा रास्ता कहीं और बन गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया है। वो इतना पार इसलिए चाहिए कि हर जगह 100 स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव बने, क्योंकि वो तो 300 पे भी बन जाती है, गलत कहूं तो कहिएगा। रोजगार देना होता तो 300 पे दे देते। बाबा साहब की प्रतिमा भी लगाई तो सब लोगों ने ये बताया, अरे साहब आपको पता नहीं ये प्रतिमा हमने लगाने में कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। बताओ गलत कह रहा हूं सही? जब एक प्रतिमा लगाने में इतनी लड़ाई लड़ी हो तो जिसने संविधान बनाया और जिसने अब तक का हमको भारत सौंपा है वो लोग कितनी लड़ाई लड़े होंगे? गलत कह रहा हूं सही? और नौजवानों को चुके जो इतिहास नहीं पढ़ेगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि लड़ाई कौन सी लड़ी गई। जैसे महिलाओं को पढ़ने का अधिकार कैसे मिला, सावित्री बाई फूले 2 साड़ी लेकर पढ़ाने क्यों जाती थी, कौन लोग थे जो उनके ऊपर पत्थर और कीचड़ पर फेंकते थे? इस देश भर की महिलाओं को अगर ये बता दिया गया होता तो इस देश की सबसे बड़ी महिला नायिका अगर कोई होती तो उसमें सबसे ऊपर नाम लिखा होता सब माता सावित्री बाई फूले। नहीं बताया ना, सब दुनिया जान गई रे भाई, ऐसा लगता था कि देवता बैठे हैं और आरती उतार रहे हैं। मीडिया का काम ये नहीं होता, मीडिया का काम जनता के पक्ष में खड़े होकर सत्ता से सवाल करना होता है कि वो जो 2 करोड़ हर साल देना था क्या हुआ? पूछना था ना, क्या 2 करोड़? नौकरी, कुछ और मत समझ जाइए, नौकरी कहा था ना हर साल, और बाद में क्या कहा? देखिए जागरूक नौजवान, कहा पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। ऐसा लगता है कि 2014 के पहले इस देश में कोई पकौड़ा ही नहीं तलता था, पहले भी पकौड़ा था, तो तुम किसको 2 करोड़ देने का वादा किए थे? पकौड़े वाले को? नहीं नहीं, एमए बीए पीएचडी आईआईटी आईआईएम ये पढ़ाइयां क्यों बनी थी? पकौड़ा तलने के लिए। हमने ये सवाल उठाया तो हमें नौकरी से निकाल दिया और कहा 14 साल यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला तो हमने यूनिवर्सिटी टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जब भी ये याद आता है तो एक बात कहता हूं डोंगरगढ़ के लोगों, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको गांव गांव कहने की जरूरत है, और खासकर नौजवानों आपकी जिम्मेदारी है, हमें जो सम्मान, तन पर ये चमचमाते कपड़े, गले में माला,
आप जैसे इतने प्रेमी लोगों का इतना सम्मान, इतना बड़ा ओहदा, यूनिवर्सिटी टॉप करना, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे केंद्रीय यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, बहुत दिनों तक लगा कि माँ बाप ने मेहनत करके जो पढ़ाई की, हमें पढ़ने का मौका दिया, उसकी वजह से प्रोफेसर बने। बाद में जब अपना इतिहास पढ़ा तो याद आया, समझ में आया, बहुतों के किसान मजदूर कमेरा लोगों के माँ बाप चाहते थे कि उनका बेटा बेटी भी पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए। हम यहाँ इतने शान से खड़े हैं, अगर यहाँ इस देश में भारत का संविधान नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते और ये सब कुछ हमारे पास नहीं होता। इसलिए ये जो कुछ भी मिला है, इसकी एक अगर बड़ी वजह है तो वो इस देश का संविधान है। इसलिए आज की शाम बहुत खास है, क्योंकि हम उस देश के संविधान की बात करने आए हैं।